पूरे जयपुर वासियों के लिए एक नया प्रयोग है। आने वाला समय राजस्थान का पर्यटन में बहुत ऊंचाई है। राजधानी जयपुर में एक नई पहल हुई है जिसके तहत अब टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हेलीकॉप्टर जॉय राइड की शुरुआत की गई। आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ हमारे साथ है। राठौड़ साहब, क्या कहेंगे इस नई पहल को लेकर? ये बहुत एक्साइटेड पहल है, पूरे जयपुर वासियों के लिए एक नया प्रयोग है। हमने पहली बार जैसलमेर से इसको शुरू किया, जैसलमेर में भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा। उसके बाद इसको पुष्कर लेके गए, वहां भी पुष्कर में भी बहुत ही एक्साइटेड था, और अब हमने जयपुर में शुरू किए। ये एक ट्रायल है, अगर हमें लगता है कि इसको रेस्पॉन्स और ज्यादा मिलेगा तो हम सर्किट बना रहे हैं, धार्मिक सर्किट, एडवेंचरियस सर्किट और सेंचुरी जो है, इसमें टाइगर सेंचुरी है, इसमें बर्ड सेंचुरी है, इन सबको मिला के एक सर्किट बना रहे हैं। और उम्मीद है आने वाला समय राजस्थान का पर्यटन में बहुत ऊंचाई है। राठौड़ साहब, आज 5,000 रुपए 5 मिनट के लिए फीस डिसाइड की गई है, तो कहीं ना कहीं आम लोगों के मन में ये सवाल है कि 1 मिनट के लिए 1,000 रुपए देना, ये क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए, ये तो अब जो शुरुआत है इसमें क्या कमी है क्या अच्छी है। पहले जैसलमेर में 7,000 का शुरू किया, फिर हमने कहा भाई कम करो, उन्होंने कम किया 6,000 किया। यहाँ भी पहले 6,000 कर रहे थे, हमने इनको रिक्वेस्ट किया कि जितनी कम हो सके। तो हमारी कोशिश होगी जो फीडबैक मिलेगा उस पर जो बेस्ट से बेस्ट होगा। कम से कम शुरुआत तो करी, बिल्कुल एक शुरुआत हुई है, और जो मान लो कि और गुंजाइश होगी सुधार की जरूर की जाएगी। जी बिल्कुल, थैंक यू। तो जिस तरीके से आपने आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ को सुना, जयपुर में हेलीकॉप्टर जॉय राइड की शुरुआत हो चुकी है, इसके तहत टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, इसके साथ उद्योगों को भी एक हद तक बढ़ावा मिलेगा। हालांकि अभी तक ये शुरुआत एक ट्रायल स्पॉट अभी फिलहाल के लिए बनाया गया है, आगे देखने वाली बात ये होगी कि ये जो जॉय राइड है ये कितना सक्सेस रहती है, और इसके साथ ही आम लोगों को और देश भर से और विदेशों से आने वाले टूरिस्टों को इस जॉय राइड को कितना फायदा मिल पाता है। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट कृष्णा के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।